मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। मेरे भाऊ का भी जन्म नॉर्मल डिलीवरी से हुआ, घर में हुआ। मेरी अज्जी ने हम दोनों का जन्म कराया, डॉक्टर को नहीं बुलाया। मेरी अज्जी पढ़ी लिखी नहीं थी, दोनों का जन्म उसने आसानी से करा दिया। वो एक ही कारण जाता, तो आपके घर में अगर जाता लेके आए बहुत अच्छा मिलता है ना। अभी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 50-60 रुपए में या 100 रुपए में मिल जाता। तो आप उसको नियमित रूप से 15 मिनट, जास्ती नहीं 15 मिनट करना स्त्रियों के लिए। पुरुषों के लिए शरीर श्रम क्या करना, पुरुषों के लिए शरीर श्रम सबसे आवश्यक है कि आप थोड़ा दिन अगर चाहते हैं कि स्वस्थ संतान हो तो नागर चलाएं। नागर चला अभी नागर अभी नागर चलाना उनके लिए तो आसान है जिनके पास खेती है और बैल है। जिनके पास खेती नहीं है उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, नौकरी करते हैं बैंक में, बीमा कंपनी में, अभी तो हम नागर नहीं चला सकते। तो उसके बराबर का एक दूसरा श्रम है, उसी के जैसा श्रम है, सीढ़ियां चढ़ना और उतरना। अगर कर सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो तीसरा और आखिरी श्रम है, जास्ती पैदल चलना। पैदल चलना, एक दिन में 4-5 किलोमीटर पैदल चलने का आदत डालिए। हर समय मोटरसाइकिल पे चले, कार में चले वो अच्छा नहीं, थोड़ा 5-7 किलोमीटर पैदल चलने का अभ्यास हो, नहीं तो नागर चलाने का हो, नहीं तो सीढ़ियां चढ़ने। तो पुरुषों के लिए इस तरह का श्रम है, स्त्रियों के लिए जाता चलाना, चटनी बनाना, कपड़े धोना, ये सब श्रम अगर हम करें तो संतान आपकी स्वस्थ तंदुरुस्त और बहुत तेजस्वी और तपस्वी होने वाली। तो ये नियोजन के कुछ कुछ काम है। और एक काम करना है हमें नियोजन के लिए, बहुत आवश्यक है वो, और वो नियोजन इस तरह का करना है कि हमारे जीवन में, वैसे तो ये बात बताना ठीक नहीं लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं। बहुत बार ऐसे मुझे पेशेंट आते हैं, वो मुझे कहते हैं कि राजीव भाई हमारे शरीर का रंग तो अच्छा नहीं है, काला है, थोड़ा डार्क है, लेकिन हमको हमारी संतान चाहिए उसका रंग साफ हो। अभी क्या करें, ऐसे बहुत लोग आते। तो मैं कहता हूँ ये बेकार का बात है, फिर भी वो कहते नहीं कुछ तो औषध बताओ। तो इसकी औषध ये की है कि जो भी अपने संतान का रंग साफ चाहते हैं, थोड़ा वाइटिश कलर चाहते हैं, रंग उसका अच्छा फेयर कलर चाहते हैं, भले उनका रंग अच्छा नहीं है, तो वो नियमित रूप से स्त्री और पुरुष हड़द का दूध पीते रहना। रात्रि को दूध में हड़द मिला के पीते हैं, थोड़ा सा उसमें तूप भी डालना। तो तूप, हड़द और दूध जो भी नियमित रूप से पिए, सभी के बच्चे उनसे ज्यादा अच्छे रंग वाले होते हैं। तो ये नियोजन का एक हिस्सा। और एक हिस्सा है कि आपके बच्चों की बुद्धि कभी भी तेज रहे, तीव्र रहे, मन की मंद ना हो, कभी भी उनकी बुद्धि तेज रहे, तेजस्वी रहे, आईक्यू उनका अच्छा रहे, मति मंदता कभी भी ना आए, तो आप और एक छोटा सा नियोजन करना। और वो नियोजन बस वही है जो मैं बार बार पहले कह चुका हूँ, दही चूना मिला के खाते रहना, गाय के दूध का दही बनाना, चांदी के बर्तन में उसको दही जमाना, सकाड़ी उसको दही को चूना मिला के खाना। गाय माने देसी गाय, तो मति मंदता नहीं आए, बच्चों में स्वस्थ रहें, तेजस्वी रहें, तपस्वी रहें, सद्भावी हों, सद्विचारी हों, इसके लिए कुछ छोटे छोटे नियोजन। और
पर एक छोटा सा नियोजन। वो नियोजन क्या है? नियोजन एक ही है कि हमें अच्छी सुदीर्घ जीवन वाली तेजस्वी जीवन वाली संतान चाहिए, स्त्री हो या पुरुष, मुलगी हो या मूला, संतान तेजस्वी तपस्वी चाहिए। तो एक नियोजन जरूर ध्यान रखना है कि हमारे जो पति और पत्नी हैं वो आपस में जब संसर्ग करें तो पत्नी का मासिक चक्र पूरा होने के बाद, पत्नी का मासिक चक्र पूरा होने के बाद या पत्नी का मासिक चक्र शुरू होने वाले दिन से 10 दिन छोड़कर, पत्नी का मासिक चक्र शुरू होने वाले दिन से 10 दिन बाद और 17 दिन के पहले या 18 दिन के पहले, बीच का ये 7-8 दिन का जो समय है, इसी समय में एक दूसरे के साथ संसर्ग कर, तो सबसे ज्यादा तेजस्वी और तपस्वी संतान होगी। पत्नी के मासिक धर्म के शुरू होने वाले दिन को गिनकर 10वें दिन से 18वें दिन के बीच का जो समय है, यही सबसे अच्छा समय है तेजस्वी और तपस्वी संतान का, कोई 7-8 दिन का समय। अब इसमें दो तरह के दिन आएंगे, एक सम होंगे एक विषम होंगे। जैसे 10वां दिन सम, 11वां विषम, 12वां सम, 13वां विषम, 14वां सम, 15वां विषम, 16वां सम, 17वां विषम, 18वां सम। तो जो सम दिन है उनमें अगर आप संसर्ग करेंगे तो 99% पुत्र होगा, और विषम वाले दिन में संसर्ग करेंगे तो 99% पुत्री होगी। 1% इसमें अपवाद है और वो कहीं भी होता है। तो अगर आपको नियोजन करना है कैसा, अब व्यसन मुक्त युवक संघ में कुछ कार्यकर्ताओं के पास पुत्री है तो पुत्र चाहिए, तो उनके लिए ये माहिती मैं दे रहा हूं, और जिनके पास पुत्र है उनको पुत्री चाहिए उनके लिए भी ये माहिती दे रहा हूं। सम दिन में जाएंगे तो पुत्र, विषम दिन में जाएंगे तो पुत्र। और एक और माहिती इसी नियोजन के लिए, आप जानते हैं महीने के दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा, तो जो शुक्ल पक्ष है इस शुक्ल पक्ष के दिनों में अगर आप संसर्ग के लिए जाते हैं तो 99% आपके बेटे या बेटी का जन्म जो होने वाला है वो बहुत प्रतापी, तेजस्वी, लड़ने वाला, भिड़ने वाला होगा। छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप, ऐसे जो हमारे देश में भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब शुक्ल पक्ष वाले लोग हैं। शुक्ल पक्ष आप समझते हैं जब चंद्रमा लगातार बढ़ता हुआ होता, और कृष्ण पक्ष उसका उल्टा। कृष्ण पक्ष में जब आप जाएंगे तो अच्छे से अच्छे साहित्यकार, वैज्ञानिक, बहुत बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, ऐसे बच्चों का जन्म होगा। न्यूटन, आइंस्टाइन, जगदीश चंद्र खुराना, हमारे देश के बोस, हमारे देश के ये जो महान लोग साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, ये सब कृष्ण पक्ष वाले लोग हैं। ठीक है, अब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का चक्कर क्या है? ये चक्कर है चंद्रमा के शरीर पर पड़ने वाली ऊर्जा। आप जानते हैं कृष्ण पक्ष में चंद्रमा नहीं होता और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बहुत तीव्र होता है। चंद्रमा की तीव्रता अपनी नहीं है, आपको मालूम है चंद्रमा का प्रकाश कहां से आया? सूर्य से। तो चंद्रमा की तीव्रता है तो वो उसकी अपनी नहीं है, सूर्य की तीव्रता है। तो आप समझ लीजिए शुक्ल पक्ष में सूर्य की तीव्रता है, तो उस दिन में जो संतान आएगी वो सूर्य जैसी ही होने वाली है। सूर्य कैसा है? जला के सबको राख कर दे, ऐसा। तो राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, शंभाजी महाराज, ये सब ऐसे ही लोग हैं जो शुक्ल पक्ष वाले। और आपको चंद्र पक्ष में, चंद्र पक्ष माने सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश है,
तो उस समय के नियोजन में जो संतान होगी वो दिमाग वाली होगी, शरीर वाली नहीं, जिसका ब्रेन बहुत चलेगा, इंटेलिजेंसी उसकी कंप्यूटर से जैसी उससे भी ज़्यादा तेज होगी। दुनिया में सारे दिमाग के काम करने वाले लोग चंद्र पक्ष के पैदा हुए हैं, और शरीर से लड़ भिड़कर साम्राज्य स्थापित करने वाले लोग शुक्ल पक्ष के पैदा हुए। तो नियोजन आपको करना है, माहिती मैं दे रहा, तो आप तय करिए आपके जीवन में क्या चाहिए। अब एक संतान आपके पास है, मान लो शुक्ल पक्ष वाली, तो एक चंद्र पक्ष वाली जरूर करना, क्योंकि दुनिया में दोनों की जरूरत है। खाली लड़ने भिड़ने वाला ही नहीं चाहिए, विज्ञान की खोज करने वाला भी चाहिए, क्योंकि दोनों से जीवन चलता है। शत्रु से रक्षा करने के लिए है और देश को आगे बढ़ाने के लिए भी है। तो एक संतान शुक्ल पक्ष की, एक चंद्र पक्ष की, ऐसा नियोजन करिए। एक संतान सम तारीख वाली, दूसरी विषम तारीख वाली, ऐसा नियोजन करिए। और बाकी के शुरू के नियम जितने मैंने बताए हैं वो सबको एक साथ पालन करना, ठीक है। इसके आगे और भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन वो इतने बारीक हैं कि मैं बताऊंगा आपके दिमाग में जाएंगे नहीं। अभी जितना बताया है इतने पर आप प्रयास शुरू करें, उसके बाद बारीक नियम अगर जानना है तो एक पुस्तक मैंने लिखी है, बाघभट्ट जी के सूत्र पर 3 पुस्तकें मैंने लिखी हैं, स्वदेशी चिकित्सा बाघभट्ट, अष्टांग हृदयम के आधार पर भाग 1, 2, 3। बारीक बातें हैं उनसे पढ़ सकते हैं, मोटी जितनी बात है वो मैंने आपको बताई। अब इसमें प्रश्न करना है तो पूछ। महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो जंक्शन पॉइंट पे हुए थे। नहीं, सच बात है, सच बात ऐसी है कि शुक्ल पक्ष खत्म हो रहा था, चंद्र पक्ष शुरू हो रहा था, बीच का एक दिन आता है ना, 14 दिन इधर निकल गए, 14 दिन इधर निकल गए, तो बीच वाले दिन हुए थे, तो दोनों का थोड़ा थोड़ा असर था। हाँ, अमावस्या पूर्णिमा के बीच का समय था, उसमें गांधी जी का जन्म हुआ, तो उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा दोनों का असर था। लेकिन आप अगर नियोजन करें तो पूरा नियोजन करें उसमें। गांधी जी के बारे में तो उनकी आई कहती है कि उनका कुछ नियोजन नहीं था और गांधी जी का जन्म हो गया, तो उसमें आधापन था। गांधी जी का बचपन आप देखेंगे ना, बिल्कुल बुद्धू, आप कभी पास नहीं हो सकते, क्लास में हमेशा फेल होते, झूठ बोलने वाले, एकदम डरपोक, एकदम कायर, सबसे पीछे की बेंच पर बैठने वाले, ऐसे विद्यार्थी थे गांधी जी। जब उम्र का एक दौर निकल गया तब थोड़ी उनमें तेजस्विता और थोड़ी सी तीव्रता और थोड़ी हिम्मत आई थी, लेकिन वो 35 वर्ष निकलने के बाद। तो ठीक है, मैंने कुछ माहिती दी है, आपके समझ में आई है कुछ तो बहुत अच्छा, अगर आप ये समझ पाएंगे तो बहुत अच्छा है। एक बात को मैं फिर रिपीट करता हूँ, इसको हमेशा याद रखिएगा कि आपकी संतान अच्छी हो, तेजस्वी हो, तपस्वी हो, तो खान पान में जितने नियम बताए हैं एक बराबर याद रखना, लोमी और खड़ी शक्कर, ये रोज खान। लोनी आप समझते ही हैं, खड़ी शक्कर आपको महंगी, लोनी और खड़ी शक्कर रोज खाना, दोनों को खाना, पति को भी पत्नी को। जी जी, मतिमंद और हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं वो कहाँ से आते हैं? ज्यादातर मतिमंद और हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं वो उन पति पत्नी के हैं, उन आई बड़ी के हैं, जिनके दोनों के शरीर में कैल्शियम बहुत बहुत कम है, उनके बच्चे मतिमंद होने ही वाले हैं, उनके बच्चे हैंडीकैप होने ही वाले हैं। पति के शरीर में कैल्शियम कम हो, पत्नी के शरीर में कैल्शियम कम हो, जरूर बच्चे ऐसे होंगे जो मतिमंद होंगे और शरीर से विकलांग हो, तो ध्यान रखिए इसका, कैल्शियम कम ना हो शरीर में। तो आप बोलेंगे क्या इसका टेस्ट होता है? हाँ, कैल्शियम का टेस्ट होता है, आपकी बोन टेस्ट करा के आप कैल्शियम की मात्रा पता लगा सकते हैं। बाजार में जो पैथोलॉजी के डॉक्टर हैं
वो कैल्शियम टेस्ट करते हैं, आप चाहें तो टेस्ट करा सकते हैं। ज़्यादा खर्चा नहीं है, 50 या 60 रुपये के खर्चे में या बहुत अधिक 100 रुपये के खर्चे में कैल्शियम टेस्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा। महाराष्ट्र में कोंकण अकेला एक बेल्ट है जहाँ के बहुत तीव्र बुद्धि के बच्चे होते हैं। उसका कारण है, और कोंकण बेल्ट के सभी बच्चों की आंखें दुनिया में सबसे सुंदर है। किसी की इतनी सुंदर आंखें नहीं है जो कोंकण पट्टी के बच्चों की आंखें हैं। उसका कारण मैं बताता हूँ। कोंकण पट्टी के बच्चे, आप जानते हैं कोंकण, जिनको हम कहते हैं मराठी में कोंकण, ये कोंकण लोग दुनिया में इंटेलिजेंसी में सबसे ऊपर। इनका जब IQ टेस्ट होता है ना, दुनिया के सारे देश, अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, दुनिया के देशों में इनकी IQ सबसे ऊंची। कारण पूछो आप, कारण उसका एक ही है कि कोंकण पट्टी की जो मिट्टी है ना, वो उसकी विशेषता है। कोंकण की मिट्टी आप देखो लाल रंग की है, देखा लाल रंग की मिट्टी है। लाल रंग की मिट्टी में जो धान उत्पन्न होता है उसमें कैल्शियम और आयरन सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। दुनिया में इतना कैल्शियम और आयरन किसी मिट्टी में नहीं है जो लाल मिट्टी में होता है। अब कैल्शियम और आयरन हर चीज में ज्यादा होगा। कोंकण का आम होगा ना, आम, उसमें भी कैल्शियम आयरन है। कोंकण का धान, उसमें भी कैल्शियम आयरन है। कोंकण की दाल होगी, उसमें भी कैल्शियम आयरन है। कोंकण की जवारी होगी, उसमें भी कैल्शियम आयरन। तो ये कैल्शियम और आयरन से भरपूर जो कुछ वो खाते हैं उसका परिणाम नहीं, मछली का इससे तो, मछली तो और भी लोग खाते हैं। आपको मालूम है सबसे जास्ती मछली तो खाते हैं बंगाली लोग, बंगाली, और उससे भी ज़्यादा उड़िया, और उनसे भी ज़्यादा बिहारी। लेकिन IQ में वो दुनिया में सबसे डफर है। मछली का इससे कोई संबंध नहीं, इसका संबंध है मिट्टी से और मिट्टी में होने वाले कैल्शियम और आयरन से। लाल मिट्टी दुनिया में जहाँ भी मिलेगी उसमें भरपूर कैल्शियम और आयरन है, और कोंकण की मिट्टी में कैल्शियम आयरन सबसे ज़्यादा है, इसलिए वहाँ की संतानें दुनिया में सबसे तीव्र बुद्धि मानी जाती है। तो ये बात समझ में आई कोंकण की? तो आप कहेंगे हम भी कोंकण में रहें, रहिए, लेकिन आप में परिवर्तन आएगा 2 जनरेशन के बाद, अभी तुरंत नहीं आएगा। 2 जनरेशन आपकी निकल जाएंगी, 3rd जनरेशन में ये परिवर्तन आ जाए, अगर कोंकण में आप रहते हैं तो। हाँ, अब आप देखिए, इनका तो सवाल और भी अच्छा है कि कोंकण में हम नहीं रह सकते, कोंकण को अपने घर में ला सकते हैं। मतलब ये है कि ऐसा धान्य खाएं जिसमें आयरन और कैल्शियम ज़्यादा हो, तो वो आपके घर में भी होगा। तो ऐसा धान्य खाइए जिसमें कैल्शियम और आयरन ज़्यादा हो। अब कैल्शियम और आयरन का धान्य ज़्यादा होगा तभी संभव है कि जो धान्य को उत्पन्न करने में यूरिया DAP ना डाला गया हो, तभी वो संभव है। तो बिना यूरिया बिना DAP का धान्य पैदा करिए 3 बरस तक, 4th बरस से आप खाना शुरू करिए तो आप में कोंकण आ जाएगा। पूरा तो नहीं आएगा लेकिन थोड़ा तो आएगा, थोड़े बेहतर तो आप होंगे और आपकी संतानें आपसे बेहतर हैं। ठीक है, अभी एक सवाल मुझे पूछा गया। हम जब विवाह करते हैं ना, विवाह, तो विवाह करते समय कुछ मिलान किया जाता है, नाड़ी का मिलान करते हैं, गोत्र का मिलान करते हैं। आप जानते क्यों करते हैं? नहीं मालूम। कोई लोग तो कहते हैं कि ये बुआ बाजी है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नाड़ी का मिलान करना, गोत्र का मिलान करना ये बकवास, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका फर्क बहुत गहरा है, ये साइंटिफिक बात है। बात ऐसी है कि हम जब गोत्र और नाड़ी का मिलान करते हैं तो इस बात को ध्यान करते हैं कि DNA एक ही ना हो, ऐसे स्त्री पुरुष की शादी ना हो। एक ही DNA ग्रुप वालों की शादियां अगर हो गई तो जिंदगी भर संतान का त्रास रहेगा।
एक ही डीएनए ग्रुप में डीएनए के ग्रुप हैं, और वो ग्रुप अगर एक ही जैसे हैं, नजदीक नजदीक का बहुत अंतर नहीं है, उनमें आपस में शादियां हुई तो एक तो संतान होगी नहीं, हो भी गई तो मतिमंद होगी, विकलांग होगी, कमजोर होगी, बुद्धि से बिल्कुल कमजोर होगी, शरीर से कमजोर होगी, और संतान जीवित नहीं रहेगी ज्यादा दिन, जल्दी मरेगी। अगर एक ही ब्लड ग्रुप के नजदीक वालों की शादियां हो गई तो जब हम नाड़ी और गोत्र देखते हैं तो उसका इसी बात का ध्यान रखते हैं, एक ही नाड़ी और एक ही गोत्र में शादी इसलिए नहीं करते हैं ताकि डीएनए एक ना हो। डीएनए एक होने के चांसेस तभी हैं जब नाड़ी एक हो और गोत्र एक हो, तो 100% ब्लड ग्रुप एक हो जाता है, इसलिए ये ध्यान रखा जाता है। तो हमारे बुजुर्गों ने एक परंपरा बनाई, विवाह करने के पहले नाड़ी का मिलान करना, गोत्र का मिलान करना, वो परंपरा बहुत साइंटिफिक है। अगर उसका ध्यान रख के आप शादियां करते हैं तो आपकी संतान अच्छी होगी, नहीं ध्यान रखा है तो बहुत तकलीफ होगी। अब आजकल हमारे देश में क्या हुआ है, प्रेम विवाह बहुत होने लगे, लव मैरिजेज होने लगे, उसमें ये कोई ध्यान रखता नहीं, ना नाड़ी का ना गोत्र का, और सब लोगों को ये त्रास है। वो आते हैं मेरे पास, ज्यादातर प्रेम विवाह वाले एक संतान नहीं हो रही है, 10-10 साल से परेशान। फिर मैं कहता हूँ जरा ब्लड चेक करो, तो ब्लड चेक करते हैं तो पता चला एक ही दोनों का ब्लड ग्रुप है, तो हो ही नहीं सकती संतान, कितनी भी कोशिश कर। तब मैं उनको कहता कि आपको संतान का सुख नहीं है, तो कहते हमने क्या पाप किया था, तो मैंने कहा आपने पाप एक ही किया था, प्रेम विवाह किया था, यही पाप आपने किया। अगर नाड़ी गोत्र का ध्यान रख के करते तो ये नहीं होता। माने इसका क्या है, माने इसका सीधे से ये है कि अगर हम प्रेम विवाह भी करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं, अगर इस बात का ध्यान आप नहीं रखते तो आपको भविष्य में बहुत तकलीफें आएंगी, तब प्रेम तो छूट जाएगा, विवाह जो है घिसकता हुआ जाएगा। ये जो प्रेम है ना, ये ज्यादा दिन टिकता विकता नहीं है, क्योंकि ये आवेग जैसा होता है, ये इंपल्स है, एक कुछ खास तरह का हार्मोन हमारे माइंड में बनता है, उसका नाम है डोपामाइन, और डोपामाइन एक हथेला हार्मोन है जो थोड़ी देर ही टिकता है, तो प्रेम भी डोपामाइन का असर है, थोड़ी देर टिकता है उसके बाद खत्म हो जाता है, स्त्री में भी पुरुष में, और जब प्रेम खत्म हो जाता है तब जीवन में असली संघर्ष शुरू होता है, असली, और वो इतना खराब संघर्ष होता है कि कोई देख नहीं सकता। थोड़े दिन पहले तक दोनों एक दूसरे के लिए मरने की तैयारी में हैं, और डोपामाइन खत्म होते ही एक दूसरे को मार डालने की तैयारी, ऐसी हालत हो जाती। एक दिन पहले तक या दो दिन पहले तक या 5-10 दिन पहले तक किसी स्त्री को उसका पुरुष और किसी पुरुष को उसकी स्त्री दुनिया का सबसे सुंदर, इससे ज्यादा सुंदर तो हो ही नहीं सकता, और 5-6 दिन के बाद ही दुनिया का सबसे कुरूप चेहरा वही है जो उसकी अपनी स्त्री है या उसका अपना पति है। ये सारा खेल डोपामाइन का है। तो प्रेम विवाह जो होते हैं ना, इनमें मैंने अक्सर देखा कि विवाह होते ही प्रेम थोड़े दिन में फना हो जाता है, खाली विवाह रह जाता है, लव चला जाता है, मैरिज रह जाती है, और वो ऐसी घिसटती है जैसे एक टांग का आदमी घिसटता है। तो आप जीवन में कोई फैसला करें तो किसी आवेग में ना करें, मेरा ये कहना। एक डॉक्टर की नाते मैं आपको सलाह दूंगा कि कभी भी जब आपके मन में इंपल्स बहुत ज्यादा हो तो कोई फैसला मत करिए, क्योंकि फैसले के गलत होने की शक्यता सबसे ज्यादा। इंपल्स बहुत है तो एक बात याद रखिए, डोपामाइन नाम का हार्मोन बहुत है, और ये हार्मोन है विवेक को खत्म कर देता है, विवेक काम ही नहीं करता, विवेक काम नहीं करेगा फैसला गलत होगा, फैसला गलत होगा जीवन भर आप पछताएंगे कि हमने एक समय पे छोटा सा गलत फैसला किया, उसका दुष्परिणाम जीवन भर भुगतना पड़ा। तो ये आप मत करिएगा, प्रेम करिए लेकिन विवाह करने से पहले इन बातों का ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कहता कि प्रेम मत करिए, प्रेम तो बहुत आवश्यक है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, ले जाने के लिए,
लेकिन प्रेम का आवेग खतरनाक है, प्रेम खराब नहीं है, उसमें जो आवेग है, इंपल्स है, वो बहुत खतरनाक है। उसको ध्यान रखिए, आपकी संतान के विषय में सोचकर, देश और समाज और धर्म के विषय में सोचकर, ठीक है। अभी एक दो प्रश्न आ गए, क्या हुआ? दो घंटे लगते गए टेक का चांस है। बोलिए, वो हिंदी में बोलिए ना। दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही है। अच्छा, और आपका बच्चा अच्छा हुआ है तो आप एक्सेप्शन में है, अपवाद में। दुनिया में सभी नियम के अपवाद होते हैं ना। मैंने आपको हर बार बोला 99%, 1% जो मैंने छोड़ा वो एक्सेप्शन के लिए छोड़ा। जी ठीक है, एक 1% में एक्सेप्शन में बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। जैसे करोड़ों शादियां हो रही हैं, उनमें से हजार 1% से कम बैठता है, वो हो सकता है। जीवन जब शुरू करें, अच्छी संतान होना, उसके लिए हमेशा दक्षिण की दिशा में सिर करके सोएं। ये बहुत जरूरी बात थी, मैं भूल गया। पति पत्नी जब अपना जीवन शुरू करें तो हमेशा सिर दक्षिण की दिशा में रखे सोएं, साउथ में। ये भी नियोजन का एक हिस्सा है। हाँ, जब आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है तो पूर्व में सिर करके सोए, और जब आपको संतान के लिए जीवन बिताना है तो दक्षिण में सिर करके सोए। और कोई प्रश्न? जी, अब देखिए, एक विज्ञान की माहिती के लिए मुझे पत्र लिखते आ रहा। हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनको हम गुण सूत्र कहते हैं, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई जो क्रोमोसोम्स हैं, उसके बारे में एक मोटी माहिती आप सभी को है। एक्स और वाई अगर आपस में मिलेंगे तो हमेशा पुत्र होगा, लड़का होगा। एक्स और एक्स मिलेंगे तो हमेशा बेटी होगी, लड़की होगी। ये मोटी सी माहिती है। अब इसमें संप्रात्रि का क्या संबंध है? मैंने बोला ना, हमारी पत्नी के या स्त्री के मासिक चक्र के शुरू होने के दिन से 10वां दिन सम, 11वां दिन विषम, 12वां दिन सम, 13वां दिन विषम। तो ये सम विषम का गुण सूत्र के साथ कोई संबंध है? हाँ, संबंध है। जब सम दिन होता है तो उस दिन पुरुष का जो क्रोमोसोम्स है, स्त्री में तो दो एक्स ही होते हैं, पुरुष में एक्स और वाई दोनों होते हैं, तो पुरुष का जो वाई क्रोमोसोम्स है वो बहुत पावरफुल होता है सम वाले दिन पर, इसलिए पुत्र होने की शक्यता सबसे ज्यादा। और विषम वाले दिन पर एक्स क्रोमोसोम्स बहुत पावरफुल होता है पुरुष का, इसलिए बेटी या पुत्री होने की शक्यता सबसे ज्यादा। तो पुराने बुजुर्ग हैं, वो बहुत सारे कड़क नियम पालन कर रहे हैं। स्वयं पाक घर में नहीं जाना, स्वयं पाक नहीं करना, भोजन नहीं बनाना, ऐसे करना वैसे करना वगैरह। इसके पीछे का साइंस क्या है? इसके पीछे कुछ खास बात नहीं है, एक ही बात है कि जब स्त्री को मासिक पाड़ी शुरू होती है तो उसके पूरे महीने का सबसे महत्वपूर्ण समय वो है, सबसे महत्व का समय। और मैं विज्ञान की माहिती आपको एक देना चाहता हूँ कि वो समय सबसे महत्वपूर्ण तो है ही, सबसे पवित्र भी। उसमें होता क्या है कि स्त्री के शरीर का जो गर्भाशय है वो अपने को स्वच्छ कर रहा है और आने वाली संतान के लिए तैयारी कर रहा है, तो इससे ज्यादा पवित्र और अच्छा तो कुछ नहीं है किसी भी स्त्री के लिए। तो उसकी पवित्रता सबसे ज्यादा उन्हीं दिनों में होती है जब वो मासिक पाड़ी में होती है। और पुरुष के बारे में मैं एक जानकारी देता हूं जो गुणसूत्र के आधार पर है और साइंस के आधार पर है कि पुरुष स्वभाव से अपवित्र होता है। इसमें आप हंसिए मत, ये सच है। पुरुष जो है स्वभाव से, चरित्र से, बाई नेचर, बाई करेक्टर अपवित्र होता है।
इम्प्योर जिसको कहते हैं, उसमें पवित्रता ज्यादा नहीं है। इसलिए आपको हैरानी होगी, भारत में बहुत सारे ऐसे देवस्थान हैं जहां पर पुरुष को जाने की अनुमति नहीं है। वो ये कहते हैं कि आपको देवस्थान में पूजा करनी है, अपनी पत्नी को लेकर आओ। मैं बहुत सारे देवस्थान में नहीं जा सकता, हाँ मेरे साथ ये दुर्घटना हो चुकी है। केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र में ऐसे बहुत मंदिर हैं। मैं अंदर गया गर्भगृह में पूजा, उसने रोक दिया। पहले तो रोक दिया, ये वस्त्र उतारो, तो मैंने कहा ठीक है उतारता। फिर धोती पहनो, धोती माने लुंगी पहनो, मैं वो भी पहन लिया। फिर उसने पूछा आपका विवाह हुआ, मैंने कहा नहीं हुआ, तो आप अंदर नहीं जा सकते। मैं पूछा भाई क्यों नहीं जा सकता, उसने कहा आप पवित्र नहीं। तो पहली बार मेरे जीवन में मैंने सोचना शुरू किया कि मैं पवित्र नहीं हूं। तो बाद में मैं वहां से लौट आया, तो मेरे जो बहुत सीनियर गुरु हैं जिन्होंने मुझे चिकित्सा और ये सब सिखाया, क्योंकि मैं तो टेक्नोलॉजी का आदमी हूँ, इंजीनियरिंग फील्ड का, लेकिन चिकित्सा मैंने सीखी। तो जिन गुरुओं ने मुझे सिखाया, मैंने उनके सामने ये प्रश्न किया कि मंदिर का पुजारी कहता है मैं पवित्र नहीं, पवित्र तब होता हूँ जब मेरा विवाह होता है, पत्नी साथ होती है। तो मेरे जो सबसे बड़े गुरु थे उन्होंने कहा कि पवित्रता स्त्री में ही होती है, पुरुष में नहीं होती। और उसका कारण ये है कि हर महीने उसका शरीर अपने पुराने कचरे को निकालकर नया धारण करता है, पुरुष में ये नहीं होता। इसलिए मासिक पाड़ी के दिनों का जो समय है वो सबसे पवित्र है। इसलिए कहा यह गया है कि इस पवित्र समय को फालतू के काम में बर्बाद नहीं करना। फालतू का काम क्या? स्वयं पाक करना रोज होता ही है। वो फालतू का काम क्या? झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये तो रोज चलता ही है। उन चार पांच दिनों में ज्यादा से ज्यादा क्या करना? ऐसा काम करना जो पवित्र ही है, जैसे ईश्वर का ध्यान करना, भजन करना, मन में थोड़ा सा संवाद करना अपने से, ईश्वर से। इसके लिए थोड़े फालतू कामों से समय को रखना बाहर। इसके लिए ये कहा गया कि दिन के जो सामान्य काम है वो उन चार पांच दिनों में नहीं करना। अब हुआ क्या, हमारे घर वालों ने इसका इंटरप्रिटेशन उल्टा कर दिया। इसका इंटरप्रिटेशन क्या कर दिया? ये खराब है, ये पवित्र है, वहां कोने में बैठ जाओ, किसी को छूना नहीं, किसी को ये करना नहीं। ये फालतू बातें हैं, हमारे घर में घुस गए, क्योंकि हमने विज्ञान को छोड़ दिया, खाली परंपरा को ले लिया। तो मेरा आपको ये कहना है कि मासिक पाड़ी के जो भी चार पांच दिन हैं वो सबसे महत्व के दिन हैं, सबसे पवित्र दिन हैं, उनमें सबसे अच्छा काम करना चाहिए। तो जो काम आपके नॉर्मल रूटीन में नहीं हो रहा है वो उन दिनों में आप करिए। जैसे डेली के रूटीन में आपको बहुत समय स्वयं पाक में जाता है, वो चार पांच दिन आप स्वयं पाक के समय को बचाकर आपके ईश्वर के ध्यान का समय, आपके प्राणायाम का समय, आपके साधना के समय में लगे। इसके लिए वो समय थोड़ा खाली रखे। और पुरुष को कहा गया है कि वो परेशान ना करे अपनी पत्नी को और स्त्री को उठने दिलाना, क्योंकि मैंने कहा ना संयम स्त्री ही पालती है, पुरुष के बस की बात नहीं है। तो अक्सर पुरुष के संयम टूटते हैं, तो वो उन दिनों में तो संयम को कठोरता से पालन करे, ऐसा हमारे आयुर्वेद में निर्देश किया है। तो मासिक पाड़ी के समय सीना नहीं, पिरोना नहीं, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, इसके पीछे का अर्थ एक ही है कि आपका ये समय बचाकर थोड़ा ध्यान, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ी समाधि की स्थिति में रहना। क्या होती है सामूहिक और सार्वजनिक जो परिवार के साथ करते हैं, लेकिन शास्त्रों में यह कहा गया है कि स्त्रियों को उन दिनों में वैयक्तिक पूजा ज्यादा करनी। वैयक्तिक पूजा माने अपने लिए ध्यान, अपने लिए प्राणायाम, अपने लिए योगासन, अपने लिए वो सब साधना की स्थिति। परिवार के लिए तो बाकी 25 दिन है ही, वो तो मरना खटना है ही, ये 5 दिन तो उसके अपने हैं, इसके लिए वो उसको कहा गया। आराम तो करना ही है, क्योंकि उष्णता बहुत है, मैंने कहा ना गर्मी बहुत होती है, शरीर में गर्मी ज्यादा होने से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़े हुए में ज्यादा काम करना अच्छा नहीं होता। इसलिए ध्यान, प्राणायाम, शीतलीकरण, व्यायाम अपने लिए करके बाकी समय आराम के लिए ही रखना, ज्यादा काम नहीं करना। नहीं ऐसा कुछ किसी भी वेद में ऐसा नहीं,
बिल्कुल श्लोक बोल सकते हैं, मंत्र बोल सकते हैं, वेद मंत्र बोल सकते हैं, ऐसा कहीं कोई निर्देश नहीं। पूरे ऋग्वेद में नहीं है, सामवेद में नहीं, अथर्ववेद में नहीं, यजुर्वेद में नहीं, उपनिषदों में कहीं नहीं, पुराणों में है। तो पुराण मनुष्य के लिखे हुए हैं इसलिए उसमें ये है, वेद मनुष्य के लिखे हुए नहीं है उसमें कहीं नहीं। सभी वेदों में इस बात की छूट है कि आप मासिक पाड़ी के दिनों में ध्यान अपने लिए, प्राणायाम अपने लिए, प्रार्थना अपने लिए, ईश्वर के साथ संवाद अपने लिए कर सकते हैं। बस ध्यान इतना ही रखना है कि चूंकि उन दिनों में हीट बढ़ी हुई है, हीट बढ़े हुए होने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़े हुए के कारण काम नहीं करना अच्छा होता है, आराम करना ही अच्छा होता है। इतनी बात समझ में आई? जी, गर्भाधान होने के बाद बहुत 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 सावधानी से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। आपकी एक छोटी सी असावधानी जीवन भर की आपकी जो मेहनत है उसको बेकार कर सकती है। इसलिए गर्भाधान होने के बाद बराबर ध्यान रखना है एक बात का, वो ये कि आपका भोजन, आपका जीवन अच्छा होते ही जाना चाहिए। गर्भाधान के पहले तो अच्छा है ही, होने के बाद तो और भी अच्छा होना। तो अच्छा होने से मतलब क्या है? दूध, ताक, दही, लोमी, तूप, ये भरपूर खाना है, बिल्कुल चिंता मत करिए। उसके बाद पतला होने का भी बता दूंगा मैं। गर्भाधान होने के पहले का जो नियोजन मैंने बताया, बाद का भी उतना ही जरूरी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गर्भाधान होने के बाद दूध, तूप, लोनी, दही, ताक, ये भरपूर खाना, और हमेशा याद रखना है गाय का खाना। तूप तो जितना खाएं उतना अच्छा। फिर आपके मन में आएगा वजन बढ़ेगा, बिल्कुल चिंता मत करिए, गाय के तूप से कभी किसी का वजन नहीं बढ़ता, वजन बढ़ता है मशी के तूप से। मैं बार बार कह रहा हूँ गाय का तूप खाना है, मशी का नहीं खाना, वजन नहीं बढ़ता। गाय का दूध, मशी का नहीं पीना, गाय का पीना तो भी वजन नहीं बढ़ता। तो तूप, दूध, दही, लोमी, ताक, घी, मक्खन, ये सब खाना। एक दूसरा, भरपूर कैल्शियम आपके शरीर में रहे, क्योंकि आपको और आपके बच्चे को दोनों को डबल कैल्शियम अब चाहिए, तो चूने की मात्रा लगातार खाती रहनी है, बढ़ा दिए तो और ही अच्छा है। दही में, ताक में चूना बराबर खाते रहना। केला भरपूर खाते रहना है, क्योंकि केले में भरपूर कैल्शियम है। फुटाने, शेंगा भरपूर खाते रहना है, दोनों में कैल्शियम है। तिल खाते रहना है, उसमें भरपूर कैल्शियम है। ये आप छोड़ दो, ये किसी शाम, और डिनर शाम को 5-6 बजे के आसपास होना ही चाहिए। लंच 10 बजे, डिनर शाम के 5-6 बजे। हाँ, बीच में अगर भूख लगे तो जूस पीना, फल खाना, फुटाने खाना, शेंगा खाना, गुड़ खाना, तिल पट्टी खाना, गुड़ पट्टी खाना बीच में, और सुबह शाम भोजन भरते ही, 9-10 बजे सुबह, 5-6 बजे शाम को। एक भोजन से दूसरे के बीच 8 तास का अंतर गर्भवती आई के लिए। और दूसरा एक ध्यान ये रखना है कि पहले महीने से 7वें महीने तक थोड़ा थोड़ा श्रम करते रहना। श्रम मैंने बताया, पत्नी को कुछ मानसिक त्रास नहीं होना, कैसा भी किसी भी तरह का मानसिक त्रास नहीं, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा दुष्ट होता है वो संतान को त्रास नहीं होना। अब इसकी जिम्मेदारी पूरे परिवार को लेनी है, पति को तो विशेष रूप से लेनी है, परिवार के दूसरे सदस्यों को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आई के साथ ऐसा कुछ ना हो जो उसको मानसिक त्रास वाला हो। जैसे हर एक व्यक्ति को, स्त्री हो या पुरुष, कुछ चीजें पसंद है, कुछ ना पसंद होता है ना, सबके जीवन में होता है। छोटे बच्चे को भी ये पसंद है, ये ना पसंद है, ये पसंद है। तो आई को जो जो चीज ना पसंद है वो उतने दिनों में नहीं होनी चाहिए। अब उसकी एक सूची बना दो, ये चीज ना पसंद है तो ना हो,
क्योंकि लापरवाही वाली चीज होगी तो मानसिक त्राप होगा और उसका दुष्परिणाम आई तो जितना होगा उससे ज्यादा बच्चे को और बार बार मानसिक त्राप अगर बच्चे को आपने दिया तो वो बच्चा जब पैदा होकर आएगा तो जिंदगी भर आपको त्राप देगा। याद ना करो मानसिक त्राप देगा कि जिंदगी भर आई और बाबा रोते रहते। बहुत बार बच्चों को आपने देखा ना आई बाबा को रुलाते हैं, ये वही बच्चे हैं जो गर्भ के समय अपनी आई के पेट में थे और आई को मानसिक त्राप हुआ उसके ज्यादा बच्चे को हुआ तो वो पूरा बदला निकालता है। तो आई भाई पूछते हैं कौन सा हमने कुकर्म किया था जो ऐसा हमारा बेटा हुआ, तो मैं उसको याद दिलाता हूँ कि याद करो तुमने गर्भाशय के समय जब ये था क्या क्या त्राप किया। तो उनको याद नहीं आता, फिर खोद खोद के याद दिलाते हैं तो उन्हें पता चलता। तो इस बात का आप हमें आई को सूर्य ग्रहण के सामने नहीं आना। लेकिन हमारे यहाँ कुछ काटो मत, छिलो मत, सो मत, ये विनपत्ति को तकलीफ है। तो एक जर्नल उत्तर इसका मैं नहीं दे सकता, इसलिए आप व्यक्तिगत रूप से मिले, नहीं तो मेरा नाम पता लिख लें, मुझे खत लिखें या ईमेल करें, विस्तार से आपकी माहिती मुझे दें तो विस्तार से ही मैं समझ के कोई औषध बता सकता। अभी जितना विषय हुआ इसके बारे में सवाल, गर्भपात हो गया, एबॉर्शन हो गया, अब क्या हुआ, इसका सीधा सा कारण है कि गर्भाशय की जो थैली है ना पिश्वी वो कमजोर है। इसका एक ही उत्तर कि अगर किसी के गर्भाशय की पिश्वी कमजोर है तो 2-3 महीने के बाद अचानक से गर्भपात हो सकता है, क्योंकि बच्चे का वजन जैसे ही बढ़ता है वो थैली उसको संभाल नहीं सकती तो गर्भपात होता है। तो ऐसी स्थिति में आई के गर्भाशय की पिश्वी मजबूत हो उसके लिए औषध देना चाहिए और उसकी औषध बहुत है, होम्योपैथी में तो 40 से ज़्यादा औषध है। तो ऐसी अगर कोई आई है तो उसको बोलना मुझे संपर्क करें। और कोई प्रश्न? महीने से लेकर सतत आखिरी दिन तक आई को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो हमेशा अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में जो विचार करे वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव माने सकारात्मक हो, नेगेटिव कुछ भी ना सोचे। जैसे मन में ऐसा विचार ना आए पता नहीं ये बच्चा विकलांग तो नहीं होगा, पता नहीं ये मंद बुद्धि तो नहीं होगा, पता नहीं ये कमजोर तो नहीं होगा, पता नहीं ऐसा तो नहीं होगा, पता ये विचार बिल्कुल नहीं करें। आप इसके पॉजिटिव विचार करें, ये मंद बुद्धि नहीं होगा ऐसा करने की बजाय ऐसा विचार करना, ये तेजस्वी होगा, ये तपस्वी होगा, ये बलशाली होगा, ये दीर्घ बुद्धि वाला होगा, सुदीर्घ जन्म वाला होगा। सतत इस तरह का विचार चलना चाहिए आपके मन में, क्योंकि जैसा विचार आप करते हैं उसी तरह के हार्मोन शरीर में बनते हैं और वही हार्मोन्स उस बच्चे के लिए पोषण का काम करते हैं। तो आप अगर पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो बच्चे पर उसका बहुत गहरा असर होगा और वो गहरा असर उस बच्चे को गर्भ में ही बनाना शुरू कर देगा। आपने वो अभिमन्यु की कहानी पढ़ी है और सबने सुनी भी है, उसकी आई ज्यादातर ऐसी ही विचार करती है युद्ध के बारे में, युद्ध के व्यूह के बारे में, उसकी रचना के बारे में और कौरवों को परास्त करने के बारे में, बराबर वो आई बार बार ऐसा ही विचार करती है। तो अभिमन्यु जन्म से ही वैसा है। ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, उनकी आई रात दिन एक ही विचार करती है कि मुगलों से अपनी सत्ता कैसे वापस लेनी, अपना स्वराज्य कैसे स्थापित करना, अपना राज्य कैसे स्थापित करना, मेरा जो आने वाला पुत्र है वो यही काम करना है उसको ऐसा ही। तो वो आई के सोचने का असर है कि छत्रपति शिवाजी जन्म से वैसे हैं। राणा प्रताप की आई की भी यही कहानी। राणा प्रताप की आई के समय में क्या है, अकबर ने पूरा राज्य छीन लिया उनका राजस्थान का, तो राणा प्रताप की आई भी रात दिन यही सोच रही है कि मेरा बेटा आएगा तो इस राज्य को मुगलों से वापस लेगा। तो राणा प्रताप वैसे, तो अभिमन्यु की कहानी हो, राणा प्रताप की कहानी हो,
हमारे छत्रपति शिवाजी की कहानी हो या भगत सिंह की कहानी हो। भगत सिंह की आई ने लिखा है कि वो जब भगत सिंह गर्भ में है तो बार बार उनकी आई सोचती है अंग्रेज भारत से क्यों नहीं जाते, इनको भगाना ही चाहिए, इनका राज्य खत्म होना ही चाहिए। तो भगत सिंह जन्म से डरता है। चंद्रशेखर आजाद की आई भी कहती है, तो जितनी भी आई ऐसा सोचती है, विचार करती है, चिंतन करती है, तो वैसा ही बच्चे का संस्कार तीसरे महीने से शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ब्रेन डेवलप होता है वैसे वैसे वो उसके ब्रेन पर बिल्कुल प्रिंट होता जाता है। ऐसे समझिए जैसे कंप्यूटर में हम लिख के छोड़ देते हैं, वैसा ही उसके माइंड पर प्रिंट हो जाता है। तो आपको ऐसे ही चिंतन और विचार करना है। अब आपको ये तय करना है कि आपको आपका बेटा या बेटी कैसा होना, जैसा होना वैसा सतत विचार करना। आप अगर विचार करेंगे तो उसका पूरा असर उस बच्चे पर आने वाला। तो पॉजिटिव थिंकिंग। दूसरा, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। बिना स्वाध्याय के पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती। तो स्वाध्याय करिए, और स्वाध्याय ऐसी पुस्तकों का करिए जो इसमें मदद करें। अब ऐसी पुस्तकें बहुत हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी है, राणा प्रताप की जीवनी है, समर्थ गुरु रामदास की जीवनी है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी है। इन सब का सतत साहित्य का अध्ययन आप करते रहे। ज्ञानेश्वरी है आपकी, गीता है, भगवत गीता है, रामचरितमानस है, रामायण है, इन सब का सतत अभ्यास और अध्ययन करते रहिए। तो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए स्वाध्याय, और स्वाध्याय ऐसी पुस्तकें। तो पूरा असर आपके बेटे और बेटी पर आने वाला है, वो कोई भी हो, बेटी हो या बेटा हो, पूरा इम्प्रिंट उसके माइंड पे होगा। और जब वो बड़ा होगा तो आपको ये कहना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, वो खुद से ही करेगा या करेगी। कई बार आपको वो खुद लेके जाएगा या जाएगी, ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना। तो इस तरह का ध्यान हमें रखना है, और गांव के, परिवार के, समाज के लोगों को ये ध्यान रखना है कि आई को ये पॉजिटिव थिंकिंग रहे और उसका स्वाध्याय अच्छा होता रहे, तो उसके लिए जो भी सुविधा लगती है वो उपलब्ध कराना। अब आई स्वाध्याय करना चाहती है लेकिन उसका जो पति है उसके पास पुस्तक लाने के लिए फुर्सत नहीं है, या पैसा नहीं है, या पुस्तक लाना नहीं चाहता, तो फिर गड़बड़ होगी। तो वो सहयोग सहकार सभी का होगा तभी ये है। एक अच्छा बेटा या बेटी समाज की सबकी जरूरत है, तो सबको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़े। खाली आई बड़ी की जिम्मेदारी नहीं है, अज्जी अज्जोवा की भी जिम्मेदारी है, नाना नानी की भी जिम्मेदारी है, काका काकी की भी जिम्मेदारी है, पड़ोस के रहने वाले पड़ोसियों की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा माहौल बना के रखें ताकि उस माहौल का असर उस बच्चे पर हो। तो स्वाध्याय नियमित करना, पॉजिटिव थिंकिंग लगातार करते रहना, खान पान का बराबर ध्यान रखना, थोड़ा अपने शरीर श्रम का ध्यान रखना, और आराम समय से, खान पान समय से, ये बिल्कुल नियमित रखना। इतनी चीजों का ध्यान रखेंगे तो जो भी बेटा या बेटी होगा डिलीवरी नॉर्मल होगी, ज्यादा सीजर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई कॉम्प्लिकेशन होगा नहीं। नियमित रूप से आप इसका उपयोग करते रहें। खान पान में जो मैंने बोला, चूना और दही खाते रहें, दूध और सूप रात को पीते रहें, कभी भी सीजर करने की आवश्यकता नहीं पड़े। और जो आप में से किसी को भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि डॉक्टर बोले नहीं सीजर करना ही पड़ेगा, तो आप एक बार मुझे पहले फोन कर लेना, मैंने नंबर आपको दे दिया है। होम्योपैथी में ऐसी बहुत औषधि हैं जो सभी कॉम्प्लिकेशंस को खत्म करके नॉर्मल डिलीवरी कराती है, बहुत औषधि, तो उनका उपयोग आप कर पाएंगे। एक औषधि मैं आपको बता देता हूँ, गाय का शेन और गाय का मूत्र, जो गाय की बछड़ी है उसका शेन और उसका मूत्र, 50 ग्राम शेन 50 ग्राम मूत्र, दोनों को मिलाना, मिला के एक सूती कापड़ में उसको छानना, फिल्टर कर, फिल्टर करके जो रस है वो आई को पिलाना। कब पिलाना? डिलीवरी के टाइम पर, जब डॉक्टर कहता है कि सीजर करना ही पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी नहीं, उस समय दे। 50 ग्राम शेन 50 ग्राम मूत्र दोनों मिला के सूती कापड़ में छान कर आई को पीने को देना, और आई को कहना एक बार में नहीं पीना, तीन बार में पीना,
एक बार थोड़ा पिया, फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा, फिर थोड़ी देर के, तीन बार पीने के बाद आई को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा दर्द होगा नहीं, बच्चा अपने आप गर्भाशय से बाहर आ सकता। ये आप खुद कर सकते हैं, बाकी होम्योपैथी औषधि के लिए आप खुद नहीं कर पाएंगे, इसलिए जरूरत पड़ने पर आप फोन कर लेंगे। ठीक है, अब आगे एक बात कही कि गर्भ पूरा हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, अब आपको कुछ और चीजों का ध्यान रखना, बच्चा बड़ा हो रहा है तो तीन बातें हमेशा याद रखिए। पहली बात ये कि वो बोल नहीं सकता क्योंकि उसके पास भाषा के शब्द कम हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंट आपसे ज्यादा। हर एक बच्चा जो जन्म लेता है और 5 वर्ष तक उसकी इंटेलिजेंसी हमेशा आई वड़ील से ज्यादा है, बस इतना ही आप में और उसमें अंतर है कि उसको बोलने के शब्द नहीं है, आप बोल पाते हैं वो बोल नहीं पाता, इंटेलिजेंसी उसकी बहुत, और उसकी इतनी इंटेलिजेंसी है कि वो इशारे से आपको सब समझा सकता, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ऐसा करना वैसा नहीं करना, वो बराबर बताएगा, आपको बहुत बार समझ में नहीं आएगा, वो आपका हाथ पकड़ के लेके जाएगा। आपने कई बार देखा ना, घर में कुछ खाने की वस्तु है, अभी उसको चाहिए, वो बोल नहीं सकता, वो हाथ पकड़ के वहां लेके जाएगा और बोलेगा ये दो मुझे, आप दे दो, वो खुश हो जाएगा। तो इंटेलिजेंसी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड उसमें है, बस बोलने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि शब्द सीखने से आते हैं, शब्द जो है ना वो इंटेलिजेंसी का पार्ट नहीं है, शब्द जो है प्रैक्टिस का पार्ट है। इंटेलिजेंसी और प्रैक्टिस में अंतर है, प्रैक्टिस करने से आप सीखते हैं, लेकिन इंटेलिजेंसी बाई बर्थ होती है, तो होशियारी तो बहुत है, तो आपसे तो ज्यादा होशियार वो है ही, तो इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी उसके सामने आप ऐसा शब्द मत बोलिए जिससे आप उसके सामने कमजोर पड़े। जैसे वो कुछ पूछता है, छोटा बच्चा है पूछेगा, वो पूछेगा ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये झाड़ है, ये झाड़ का ये पान हरा क्यों है, अब आपको माहिती है, ठीक है, तो आप उसको बोलेंगे चुप, क्या माहिती दे, इसको मालूम नहीं है झाड़ का पान हरा ही होता है, अब वो पूछ रहा है बाबा ये हरा क्यों है, अब बाबा को माहिती नहीं है, तो बाबा उसको कहते चुप ये मत कर, ये आपने अगर किया तो थोड़े दिन के बाद वो आपको चुप करेगा, उसको ये कहना कि मुझे इसकी माहिती नहीं है, ईमानदारी से कहना, और मैं कल ये माहिती कहीं से लेके फिर बोलूंगा, तब तो बात बैठेगी, और अगर आपने उसको डांटना शुरू किया तो बहुत त्रास हो जाए, वो बेटा या बेटी आपके हाथ से निकल जाए, तो कभी भी उसको 5 वर्ष तक तो डांटना नहीं बिल्कुल, डांटना समझते हैं, डांटने को मराठी में क्या कहते हैं, राघव ने, यस, तो 5 वर्ष तक उसके साथ व्यवहार ऐसा नहीं होना जिससे उसको डांट फटकार होती है, वो बहुत सारे ऐसे सवाल करेगा जो आपके लिए एब्सर्ड हैं, एब्सर्ड माने बिल्कुल फालतू के हैं, लेकिन उसके लिए बहुत महत्व के, बहुत महत्व के, वो बहुत सवाल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो पूछेगा ये सूर्य का रंग लाल क्यों है, अभी आप बताओ उसको, ये चंद्रमा सफेद क्यों है, ये तारे ऐसे क्यों हैं, ये झाड़ ऐसा क्यों है, मिर्ची लाल क्यों है, हरी मिर्ची लाल कैसे होती है, पहले हरी है मिर्ची पेड़ पर झाड़ पर फिर लाल हो गई, आम पहले हरा है फिर पीला हो गया, ऐसा कुछ भी सवाल वो पूछने वाला है या पूछने वाली है, क्योंकि उसकी इंटेलिजेंसी उसको मजबूर करती है ये सब पूछने के लिए, तो आप ही उसके पहले गुरु हैं माने आई बाबा, तो उनको तो ये माहिती होनी ही चाहिए, माहिती नहीं है तो उसको बोलिए कि मुझे अभी माहिती नहीं है, मैं कल 2 दिन बाद 1 सप्ताह बाद तात्या जी से पूछूंगा फिर बताऊंगा, या मेरे बाबा से पूछूंगा फिर बताऊंगा, या मैं किसी प्रोफेसर से पूछूंगा फिर बताऊंगा, तो इसमें आपका अपमान नहीं है, उस बच्चे के लिए बहुत आनंद है, जो डांटना शुरू किया आपने तो बहुत तकलीफ,
किसी बच्चे को डांटने का आपको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि बच्चा जो है वो आपका नहीं है, वो भगवान का है। आपको भगवान ने निमित्त बनाया उसका पालन पोषण करने के लिए, ऐसा सोचिए। और आप अपने को भाग्यशाली मानिए कि आपको निमित्त बनाया। ऐसे करोड़ों लोग तड़प रहे हैं, ईश्वर ने उनको निमित्त नहीं बनाया। तो जिनके पास बेटा या बेटी है वो अपने को सद्भाग्यशाली समझे कि भगवान ने आपको निमित्त बनाकर इसको भेजा, अब इसका लालन पोषण करना आपका काम है। बाकी उसके मन की बुद्धि का समाधान करना आप किसी की मदद से करना, अच्छा नहीं तो अकेले, लेकिन समाधान चाहिए। उसमें उसको डांट फटकार को मिलते। और एक तीसरी बात ध्यान रखिए हमेशा, ये आई बाबा दोनों को ध्यान रखिए कि बच्चे बचपन में बड़े होते हैं तो वो बहुत कुछ सीखते हैं अनुभव करके, बहुत चीजें वो अनुभव करके सीखते हैं। तो उनका सबसे बड़ा अनुभव है उनका मुंह, वो हर चीज को मुंह में देंगे क्योंकि उनको अनुभव करना। मिट्टी को मुंह में देंगे, पानी को मुंह में देंगे, कुछ भी संडास पड़ी है उसको मुंह में दे सकते हैं। वो आपकी समस्या है, उनकी नहीं है, उनको तो अनुभव करना। तो वो जब अनुभव कर रहे हैं तो उनको ज्यादा हाथ मत पकड़िए, करने दीजिए। जैसे कुछ बच्चे माटी खाते हैं और आई बाबा पकड़ते हैं माटी नहीं खाना, आप बोलेंगे ये माटी खाने की चीज नहीं है, माटी ही खाने की चीज है क्योंकि इससे अच्छी दूसरी कोई चीज नहीं है। माटी माने कैल्शियम का भंडार, माटी जो है ना इसमें भरपूर कैल्शियम है, माटी में भरपूर आयरन है। तो बच्चे को माटी खाना है क्योंकि कैल्शियम चाहिए, इसलिए वो माटी खाएगा। अब आप उसका हाथ पकड़ेंगे, उसकी कैल्शियम की जरूरत पूरी नहीं होगी, वो बच्चा तकलीफ में आ जाए। इसलिए हाथ मत पकड़िए, माटी खाता है खाने दीजिए। फिर आप बोलेंगे माटी पोट में जाएगी, कुछ नहीं होगा, उसके पोट में दो किडनियां हैं जो भगवान ने भेजी है, एकदम फ्रेश है, पुरानी नहीं है, नई है, काम ज्यादा करती है, आपसे ज्यादा उसकी किडनी फिल्टर करती है, इसलिए पेट में पत्थर होने का कोई चांस नहीं। तो माटी खाता है खाने दीजिए, कुछ राखी खाएगा वो, टेस्ट करेगा कैल्शियम चाहिए तो खाने दीजिए। कई बच्चों को मैंने देखा दीवार चाटते हैं जीभ से ऐसे ऐसे क्योंकि उसमें चूना लगा है, उनको इंटेलिजेंसी है, चूने में कैल्शियम है तो चाट के खाते हैं। अब आप मूर्ख हैं, आप उसको पकड़ते नहीं नहीं चाटना नहीं, गंदा है, गंदा कुछ नहीं है क्योंकि उसके जीभ की जो लार है ना वो दुनिया में इतनी पावरफुल है, हर वायरस और बैक्टीरिया को एक क्षण में मार लेती है, तो वो चाटेगा कुछ गंदा नहीं जानेगा। और फिर शरीर को अनुभव करने के लिए वो मिट्टी में जाएगा और लेटेगा, बैठेगा, मिट्टी शरीर पर लगाएगा, लगाने दीजिए। आप कहेंगे अरे गंदा हो रहा है, गंदा किसके लिए हो रहा है, पानी तो है धोने के लिए और साबुन भी है नहाने के लिए, तो गंदा होने से क्यों रोक रहे हैं। माटी में जाने दीजिए, खेलने दीजिए और शरीर उसको खोल के रखिए, नंगा शरीर रखिए ताकि माटी में लोटपोट होता रहे, तो माटी का कैल्शियम एब्जॉर्ब हो शरीर के द्वारा, मुंह के द्वारा, तो उसमें तंदुरुस्ती ज्यादा अच्छी होगी। आपको मैं एक माहिती देता, जो शहर के बच्चे होते हैं ना अपार्टमेंट में रहने वाले और जो गांव के बच्चे हैं बिल्कुल नंगा बदन खेलने वाले, दोनों की आप शक्ति अंदाजा लगाना चाहें तो लगा लीजिए। शक्ति माने प्रतिकारक शक्ति, रेजिस्टेंस पावर। तो ये जो गांव के बच्चे नंगे होकर खेलते हैं ना माटी में, इनकी रेजिस्टेंस शहर के फ्लैट वाले बच्चों से 1000 फुट जास्ती है। तो ये शहर के फ्लैट वालों की नकल मत करिए, बच्चे माटी में खेल रहे हैं खेलेंगे, फिर थोड़े बड़े होंगे कुएं में कूदेंगे, बिहर में जाएंगे, पानी में डूबेंगे, डूबने दीजिए। आपका काम इतना है कि वो बिल्कुल नीचे ना चले जाए तो निकालना है, बाकी कूद में दीजिए, अनुभव उनको करने दीजिए क्योंकि उनके अनुभव के लिए माटी है, पानी है, यही कुछ चीजें हैं। एक दो चीजों में बस ध्यान रखिए कि बच्चे कई बार अग्नि को भी पकड़ लेते हैं, वो ना करें क्योंकि उसमें हाथ जल जाए, वहां आपकी भूमिका है। बाकी जो करना चाहते हैं उनको करने दीजिए। फिर आप कहते हैं ये शैतानी करता है, आपके लिए जो शैतानी है वो उसके सीखने का गुण है। हमारे घरों में बहुत बार हम शिकायत करते हैं मेरा बेटा बहुत शैतान है, तो मैं पूछता हूँ क्या करता है ये, तो कहते कब तोड़ देता है,
कप होता है ना वो तोड़ देता है, तो ठीक है तोड़ देता है तो क्या बात है, उसको तोड़ के देखना है कि टूटता है कि नहीं, उसको सीखना है, अनुभव करना है। आपके दिल में धड़कन बढ़ती है, 10 रुपए का नुकसान हुआ, 20 रुपए का नुकसान हुआ, ये 10-20 रुपए के नुकसान में इतने आप लालच में हैं, तो पैदा क्यों किया उस बेटे को, मत करते। हम 10-10, 20-20 रुपए के नुकसान के लिए परेशान है, एक कप टूट जाएगा, एक बशी टूट जाएगी, एक बशी टूटती है टूट जाने दो, कप टूटता है टूट जाने दो, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, बराबर उसको एक्सपीरियंस करने दें। आपका काम है बस इतना देखभाल करें कि वो अपने को कोई बड़ी चोट ना लगा ले। कप बशी तोड़ दिया वहां तक ठीक है, लेकिन टूटा हुआ कप बशी सिर में मारा, खून निकल आया, वहां रोकना है, वो अपना नुकसान ना करे इतना भर करें। और घर में वो हर वस्तु को इधर से उधर फेंकने ही वाला है, यहां से लाके इधर फेंका, इधर से लाके उधर फेंका। अब आप कहेंगे ये मेरा काम बढ़ाता है, वो काम नहीं बढ़ाता है, वो अपना नॉलेज बढ़ा रहा है। किसी वस्तु को यहां तक लाने में वो टेस्ट कर रहा है कितनी शक्ति लगती है, वापस ले जाने में कितनी लगती है, ये वस्तु कैसे आती है, ये कैसे जाती है, उसको सब कुछ सीखना है, तो सीखने के लिए वो ये सब करता है। इसलिए आप ध्यान रखिए, वो शैतानी नहीं कर रहा है, वो सीख रहा है। और सीखने में जो प्रश्न उसके समझ में नहीं आएंगे वो आपको पूछेगा और उनका समाधान आपको करना पड़ेगा। समाधान करने के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा, स्वाध्याय करने के लिए समय निकालना पड़ेगा, तो वो आप करिए। अगर आई बाबा बने हैं तो स्वाध्याय का समय निकालिए, अपने लिए नहीं तो अपने बेटे बेटी के। तो ये कुछ और छोटी छोटी बातें। कभी भी किसी भी बच्चे को किसी भी परिस्थिति में मारिए मत, डांटना नहीं है, मारना भी नहीं। आप बोलेंगे कुछ भी गलती करे, हाँ तो भी मारना नहीं, क्योंकि उसकी कोई भी गलती आपके मारने लायक नहीं। हाँ अब बहुत आई बाबा मुझे कहते हैं हमको बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्सा आता है तो अपने को मारिए, उसको मत मार। आप आई बाबा बने हैं, गुस्सा बहुत आता है, बहुत लोगों को गुस्सा आता है, कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं ना उनको बहुत गुस्सा आता है, तो अपने बच्चे पे भी आएगा, तो उसको मत मारिए, मारना है तो अपने को मारिए, अपने तमाचे मारिए, खूब कस के मारिए, थोड़ी देर में गुस्सा शांत हो जाएगा। आपका बेटा या बेटी ध्यान रखिए ईश्वर की संपत्ति है, आपकी नहीं है, आप तो निमित्त मात्र हैं उसको बड़ा करने के लिए, बाकी तो सब ईश्वर ने तय कर रखा है उसके लिए, उसको क्या करना है भविष्य में कैसा होना, आप तो निमित्त।